हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्षा होम डेकोर आइडिया। मेरा नाम है वर्षा, जहां मैं आप लोगों के साथ अपने चैनल पे शेयर करती हूँ होम डेकोरेशन के कुछ आइडिया और कुछ नए नए डीआईवाई। फेस्टिव सीजन हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो आप सभी को मेरी तरफ से विश वेरी हैप्पी नवरात्रि मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से। आप लोग भी आज से अपने फेस्टिव स्टार्ट कर चुके होंगे। अभी हमारे नवरात्रि आएंगे, फिर हमारा करवा चौथ आएगा, फिर एक अहोई अष्टमी का व्रत आएगा, उसके बाद हमारी दिवाली आ जाएगी, भैया दूज आ जाएगा, बहुत सारे फेस्टिवल टाइम रहता है ये हमारा। और यहाँ फेस्टिवल में जो मज़ा आता है वो और कहीं भी आपको देखने के लिए नहीं मिलता। इस बार मैं अपने होम टाउन यहाँ पे आई हुई हूँ जयपुर। फेस्टिवल का रियल में ही स्टार्ट होने से पहले मुझे इतना मजा आ रहा है, बाकी एंड तक तो देखिए कितना मजा आता है हमें यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात ये है कि फ्रेंड, जब भी मैं अपने डीआईवाई प्रोजेक्ट्स के लिए कोई भी चीजें वहां पे ढूंढती थी, तो मुझे कभी कुछ चीजें तो ऐसी थी कि जो मैं कभी ढूंढ ही नहीं पाती थी, वहां पे मुझे मिलती ही नहीं थी अपने डीआईवाई को करने के लिए। लाइक उर्ली वगैरह बनाने के लिए मुझे इस टाइप की जो मिट्टी की जो हमें टेराकोटा का जो बर्तन चाहिए होता है वो मुझे वहां पे कभी नहीं मिला। लास्ट ईयर मैंने बहुत ज्यादा सर्च किया लेकिन मुझे वो कहीं पे भी नहीं मिला। सबसे पहले रेट का भी एक बहुत ज्यादा फर्क होता है। केरल में मैं जब भी अपने डीआईवाई प्रोजेक्ट बनाती थी तो वो मुझे बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता था, हर चीज वहां पे बहुत कॉस्टली थी, और यहाँ का जो रीजनेबल रेट है। और सबसे बड़ी बात, मैंने भी अपनी दिवाली की यहाँ पे शॉपिंग स्टार्ट कर ली है, बल्कि इस साल जो है मैंने ऑनलाइन कम ही शॉपिंग की है, बाकी ऑफलाइन ही मैं सारी शॉपिंग कर रही हूँ जगह जगह जाके, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है अपनी वीडियो में, हैंडलूम है यहाँ पे, विशाल मेगा मार्ट है, और भी बहुत सारी ऐसी जगह है, रोड साइड वेंडर्स है, जयपुर का काफी जो फेमस मार्केट है वो है यहाँ पे जौहरी बाजार वगैरह से, जहाँ मैंने अपने माता की चौकी के लिए कुछ आइटम्स खरीदे थे वहां से। और भी दिवाली के लिए भी मैं एक बार और विजिट करूंगी वहां पे अपने दिवाली के लिए, और कुछ नई नई चीजें खरीदने के लिए वहां पे, और करवा चौथ की साड़ी वगैरह के लिए वहां पे काफी रिजनेबल रेट है, तो मैंने वहां पे शॉपिंग स्टार्ट कर दी है। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वहां पे विजिट करने जाऊंगी तो आपको, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी जौहरी बाजार वगैरह का जो बापू बाजार है वहां का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फेस्टिवल में वहां का लुक जो है वो थोड़ा सा चेंज होता है, पूरी जो मार्केट होती है वो एकदम अलग से झमाझम से करने लगती है। मैं विजिट करूंगी तो आपको वहां का व्यू एक बार जरूर दिखाऊंगी। ब्रह्मा विष्णु तुम्हें विद्यावे रूप सरस्वती को तुम धारा दे सुबुद्रि शिमुनि दुबारा धरा रूप नरसिंह को अम्बा प्रकट मई फाड़ कर खम्बा रक्षा करी कैलाश मचायो इनका शुभ को स्वर पढ़ा जो शुभ ने शुभ दाना तुम मारे रक्त भी संगन संहारे वैसा शुभ नर अते भी माली जे ही अंगार मनी अपना दे रूप करार मा काली का धारा शेष सहित तुम तिही सहारा हर परी परी भी संतन पर जब जब वही साय मागु तुम तब तब अमर पुरी और वासर लोका सब महिमा सब रहे अशोका ज्वाला में है जो कि तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नर नारी प्रेम भक्ति से जो यश गावे दुख दरिद्र का निकट नहीं आवे भावे तुम्हें जो नर मिला है नर मरता को छू जाए जो भी सुपुरी कह तुम्हारी योग न हो भी शक्ति तुम्हारी शंकर आचार्य सब कीनो काल अरु क्रोधिति सब लीनो निज दिन ध्यान धरो सुंदर को काहु काल नहीं सुमरो तुमको शक्ति रूप को मरम न पायो शक्ति गई तब मन पछतायो शरणम गतोई कीर्ति बसानी जय 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 जगदम्ब भवानी भई परशनादि जगदम्बा दे शक्ति नहीं कीन विलंबा माँ को मातु कष्ट घेरु तुम दिन कौन हरे दुख नहीं रो
आशा ते कृष्णानी पर सितावे मोह मदाति सब विसावे शत्रु नाश कीजिए महारानी सुधरो इच्छित तुम्हे भवानी करो कृपा हे मातु दयाला रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला जब लग जीव दया फल पाओ तुम्हरो यश में सदा सुनाऊ दुर्गा चालीसा जो कोई मुस्कावे सब सुख भोग परम पद पावे देवी दास शरण भी जानी करो कृपा जगता तो भवानी शरणागत रक्षा करे भक्त रहे निशक मैं आया तेरी शरण में बात जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी को निश दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी घसी दूरे विराजत टीको
मम्मी ने ही किया है ज्यादातर, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने सिर्फ बैकग्राउंड की एक दो जो ये आर्टिफिशियल फ्लावर की बेल लगाई है वो मैंने लगाई है, बाकी की जितना भी डेकोरेशन किया है वो मम्मी ने किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। सो आपको अगेन विश वेरी हैप्पी नवरात्रि।